एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 202 रन बनाए। रोहित ने 80 और धवन ने भी 80 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली 26 और धोनी 7 रन बनाकर नाबाद रहे। 203 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में मात्र 149 ही रन बना सकी। टीम इंडिया ने इस मैच को 53 रनों से जीत लिया है। टी20 वर्ल्ड कप और अन्य सीरीज मिलाकर भारतीय टीम कभी भी न्यूजीलैंड से टी20 मैच नहीं जीत पाई थी। आज भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। आज भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा अपना आखिरी मैच खेल रहे थे। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल 4, केन विलियमसन 28, टॉम ब्रूस 10, कोलिन डी ग्रैंडहोम 0, हेनरी निकोलस 6, टॉम लाथम 39 और कोलिन मुनरो ने 7 रन बनाए। भारत की ओर से योजवेंद्र चहल अक्षर पटेल ने 2-2 और भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने 1-1 विकेट झटका।